दिस मूवी इट्स अ वेरी कमर्शियल फॉर्मैट. मतलब कि अगर गोवन है, देर इज़ अ गोवन सॉन्ग इन इट, तो इट शुड बी फॉर दोज पीपल. देन देर इज़ अ भजन, एक माता जी का भजन है, एंड देर इज़ अ बार सॉन्ग. तो बेसिकली गोवन बेस्ड म्यूजिक नहीं है, इट्स अ वेरी कमर्शियल फॉर्मैट, वेरी कमर्शियल. ये फिल्म मारिया का टाइटल सॉन्ग है. यहाँ मतलब जो हीरो है, हीरोइन है, हीरोइन की डैडी है, पूरे फैमिली मिलके गाना गाते हैं. टिपिकल कैथलिक हाउस होल्ड सा लग रहा है मुझे सेटअप है. और काफ़ी मज़ेदार बात है कि जो लड़का है वो काफ़ी आराम से अपना जो मतलब कन्फेशन है कि मैं मेरी क्रिसमस में अपना कन्फेशन सुनाऊँ चाहता हूँ जिस लड़की से, उस लड़की से मिला हूँ, और वो है मारिया. और जो कि उसके डैडी भी है वो भी गाना गाते हैं, मम्मी भी गाना गाती हैं, तो कोई ऐसा झिझक या डर नहीं है जो कि शायद दूसरे कम्युनिटीज़ में या दूसरे इसमें होता कि कैसे बताऊँ, कैसे करें प्यार का इजहार. तो ये एक लिबरल अच्छी प्यारी बात है. दिस इज़ बेसिकली मारिया इज़ सेंटर कैरेक्टर ऑफ द होल मूवी. तो उनके घर पे कुछ फंक्शन है एंड द हीरो कम्स ओवर देयर एंड ही सरप्राइजेज एवरीबॉडी एंड ही सिंग्स अ सॉन्ग कि भाई दिस इज़ द गर्ल हुम आई लव. सो इट्स बेस्ड ऑन दैट. म्यूज़िक एक्चुअली इसमें सब गाने डिफरेंट हैं, बट मासेस को ध्यान में रखते हुए हमने गाने बनाए हैं. बट सारे गाने जो हैं सभी तरह के डिफरेंट हैं. इसमें माता की भेंट भी है, डिवोशनल सॉन्ग भी है, और क्लब सॉन्ग्स भी है, रोमांटिक सॉन्ग्स है, बट ट्रीटमेंट इज़ टोटली डिफरेंट. एंड मॉन्टी इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूज़िक एक्टर, सो ही हैज़ गिवन टोटली डिफरेंट म्यूज़िक इन दिस. एक्चुअली दोनों मुझे, मेरी तमन्ना भी थी कि मैं भजन गाऊं माता का, और ऊपर वाले ने किया कि मैं भजन गा रहा हूं. मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा कंपोजिशन किया मोंटी जी ने. बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत अच्छा है, और जो रोमांटिक सॉन्ग है वो भी अपनी बहुत अच्छा है बनाया उन्होंने. इसमें उसको अलग अलग रंग दिखाने के, खैर जिसे हम लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें 6 गाने और 6 गानों के 6 रंग है, एक रंग का बाकी रह गया.